जय माता दी। वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम केमिस्ट्री में एक स्पेशल टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए भाई, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड आर द सॉलिड या द सॉलिड विच अपीयर, जो दिखते हैं, प्रकट होते हैं, लाइक अमोर्फस सॉलिड, जो अमोर्फस सॉलिड की तरह तो दिखेंगे बट हैव माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लेकिन उनके अंदर क्या हो, छोटे 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 टुकड़ों में आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, क्रिस्टल क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह हो, आर कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये होती है आपकी डेफिनेशन भी आ जाए एग्जाम में, व्हाट इज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप लिखेंगे द सॉलिड विच अपीयर लाइक अमोर्फस सॉलिड बट एक्चुअली हैव माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उन्हें हम कहते हैं क्या, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब सुनिए अभी क्या कहानी है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड की। देखिए, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जैसे या तो क्या होंगे क्रिस्टलाइन या क्या होंगे अमोर्फस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है पार्टिकल्स की, एटम्स की, आयंस की सॉलिड के अंदर, वो भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड क्या होती, क्या होते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाए भाई, इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर एंड इनडेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स इन द सॉलिड, ऐसे सॉलिड कहलाते हैं अमोर्फस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, ये आपके क्या है, अमोर्फस सॉलिड। और आपके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपके NaCl, KCl, ये क्या है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बात करेंगे कुछ सॉलिड भाई न तो आपके क्रिस्टलाइन के जैसे होते हैं न ही आपके अमोर्फस के जैसे होते हैं कंप्लीटली। कुछ के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। मान लो छोटे से पार्ट में यहां क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, यानी छोटे से पार्ट में क्या पाई जाती है, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट पाई जाती है, ऐसे सॉलिड कहलाते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। और मोस्टली जो हमारे मेटल्स है ये आपके पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में रहते हैं, आइस, रॉक्स, चट्टाने क्या होती हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होते, मतलब छोटे 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 टुकड़ों में रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। ठीक है, और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के इन छोटे 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 टुकड़ों को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट। ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है, पूछ लेते हैं व्हाट आर क्रिस्टलाइट, क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइट, क्या होता है क्रिस्टलाइन, आपके सॉलिड का वो पार्ट, यानी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड का वो पार्ट जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है, उस छोटे से पार्ट को ही कहते हैं क्रिस्टलाइट। और जो सॉलिड है आपका वो अमोर्फस की तरह अपीयर होता है, ध्यान रखना वो अमोर्फस सॉलिड नहीं है, यानी कि जो आपकी क्रिस्टलाइट है ना, ये अमोर्फस सॉलिड के भाग नहीं है, अमोर्फस सॉलिड का पार्ट नहीं होता कौन, क्रिस्टलाइट। ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन की जो छोटी छोटी यूनिट है उन्हें ही हम कहते हैं क्रिस्टलाइट, इन्हें हम ग्रेन भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, ग्रेन, छोटे सा क्या टुकड़ा, जैसे छोटा सा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, जैसे आपके मान लो जैसे बहुत सारे, अगर मैं कह दूं कणक के दाने जो होते हैं सीड कहते हैं हम, ठीक है, छोटे छोटे सीड, सीड के अंदर तो क्या है आपकी रेगुलर अरेंजमेंट, इसके बाहर इरेगुलर हो जाती है, दूसरा सीड आता है उसके अंदर क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट, तीसरे सीड में रेगुलर अरेंजमेंट, चौथे सीट में जाए बीच में क्या जाएगा, इरेगुलर। ठीक, तो ये है भाई आपका क्या, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड लाइक मेटल्स, देखिए मेटल्स क्या है, हम जो मेटल्स एग्जैक्टली आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, देखिए मेटल की फॉर्म्स है अलग अलग, अब वो सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं और सॉलिड में भी हम उसको गर्म करके गला के हमने इसको पका लिया वो फॉर्म,
या जब वो मिट्टी की तरह होती है तब। तो ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन के हमें मेटल्स ले रहे हैं हम ना, ये आपकी गली हुई सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, भुरभुरी फॉर्म में होती है, मिट्टी की फॉर्म में, तब हम क्या कहेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। ओके, ये भी ध्यान रखना, कई बार अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जनरली आप मेटल्स का एग्जाम्पल देंगे ना, तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में देना, ठीक है। अब अगर आपसे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड पूछ ले, तो भी आप मेटल्स का एग्जाम्पल किस में देंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। और स्पेसिसिटी क्या करें कि दोनों के अंदर अंतर होता है स्टेट के हिसाब से देखते हैं। जैसे मेटल को मैंने क्या किया, जो अपनी मेटल्स होती है हम उनको क्या, पहले जब सोध लेते हैं ना तो बिल्कुल मिट्टी की फॉर्म में हो जाती है वो, ठीक है। मिट्टी फॉर्म के बाद क्या, जैसे उनको हम गर्म करेंगे तो फिर वो सॉलिड फॉर्म गेन कर लेते, सॉलिड फॉर्म गेन कर लेते, तब हम कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइन, और उससे पहले वो क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। चट्टानों में भी ऐसी मिट्टी की फॉर्म होती है ना, रॉक्स क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल। ऐसी आपकी आइस, जब हम मान लो मैंने आइस का टुकड़ा लिया, हम फोड़ लेते हैं ना इसको, जैसा देखा कैसी हो जाती है, वो छोटे टुकड़े है ना, उनके अंदर क्या है आपकी आइस, माइक्रोक्रिस्टलाइन की फॉर्म में, क्रिस्टलाइट की फॉर्म में। अब पूरी आइस जब हमने फोड़ ली है तो क्या बन गई, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब पहले बिल्कुल सॉलिड थी, एक टुकड़ा आइस का, आइस क्यूब का एक टुकड़ा ले लिया, वो क्या है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। ओके, अब देखिए और भी आइस, एक और जो आजकल जो सोलर सेल्स होती है उनमें देखा हो आपने, लाइन सी लगी होती है, तो आप वहां से समझ सकते हैं, वो जो छोटा टुकड़ा होता है सोलर सेल के अंदर, ठीक है, जहां चांदी की वायर, सिल्वर की वायर नहीं होती, वायर जैसे क्रॉसिंग की, सिल्वर की वायर नहीं, छोटा टुकड़ा बन गया, स्केयर सा बन जाता है, वो स्केयर क्या है, एक प्रकार से क्रिस्टलाइट है आपका, और पूरी सोलर सेल क्या बनेगी, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, अब देखिए हम दिखा भी सकता हूं कैसे होंगे। जैसे मान लो आपका कोई भी एक सॉलिड, ये पूरा बड़ा सॉलिड, ठीक है, इसके अंदर क्या हो, ऐसे टुकड़ों की फॉर्म में, इतनी सी जगह रेगुलर अरेंजमेंट है, उसके बाद इतनी सी जगह में इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें अपनी रेगुलर अरेंजमेंट है। मान लो इसके अंदर इस तरीके से ये इसके अंदर ये इसके अंदर ये, ठीक है। जैसे इस टुकड़े के अंदर अरेंजमेंट क्या मिलेगी, रेगुलर, ये क्रिस्टलाइट है। इस टुकड़े के अंदर अरेंजमेंट क्या मिलेगी, रेगुलर एक्स टाइप, क्रिस्टलाइट है। नहीं, क्या इन दोनों में रेगुलर अरेंजमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों में अरेंजमेंट क्या, उससे दिस इज नॉट नेसेसरी। ये है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, पूरे ऐसे बना लो अपने बड़े तरीके से। अभी जो छोटे छोटे पार्ट मैंने बता दिया आपको समझाने के लिए, ये क्या है बना रहे हैं सारे मिलके भाई, अमोर्फस सॉलिड, यानी कि ए यहाँ पे, बी हो यहाँ पे, क्या हो, सी। यानी इस पूरे सॉलिड के अंदर अगर ये छोटे छोटे टुकड़े हो ना, उन टुकड़ों में अरेंजमेंट क्या होगी, अलग अलग, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। लेकिन इस ए के अंदर जो अरेंजमेंट होगी ना सारी की सारी, वो क्या होगी, रेगुलर। जरूरी नहीं है कि जो अरेंजमेंट ए में हो बी में हो, अलग अलग हो सकती है। ये खूबी होती है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है भाई। ये था आपका पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, डेफिनेशन दे उसके बाद एग्जाम्पल लिख दे, बोर्ड के अंदर इतना ही करना। समझ के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, जय माता।